नौ गारंटेड टिप्स टू इंक्रीज टाइम, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला चार में से तीन लोग, कम से कम जब हमें फोन कॉल आते हैं तो चार में से तीन लोग ये बोलते रहते हैं कि उनको जल्दी गिर जाता है, स्टेमिना टिकता नहीं है, शीघ्र पतन होता है, वो नाराज है, उनकी पत्नी नाराज है या उनकी गर्लफ्रेंड नाराज है, और उनका हरदम ये रहता है कि मेरा स्टेमिना टिकना चाहिए, स्टेमिना बढ़ाओ, स्टेमिना बढ़ाने की दवा दो, बस यही उनका हमेशा डिमांड रहता है और वो डिमांड बार बार लोग करते रहते हैं। तो इसके लिए मैं अभी फिर से एक ये नया वीडियो दे रहा हूँ, शीघ्र पतन या स्टेमिना या टाइम बढ़ाने के नाइन गारंटीड टिप्स। तो पहला है कि भाई, एक तो स्टॉप स्टार्ट टेक्निक है, इसका मतलब यह है कि जब आप स्टार्ट करते हो, लिंग में योनि का प्रवेश करते हो, जब ऐसा लगता है कि नहीं गिर जाएगा, तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जो है कि अभी गिर जाएगा ऐसा लगता है, उसके पहले ही सेक्स रोक देना है, लिंग को बाहर निकालने का है, कुछ समय जाने देने का है, दिमाग में इधर उधर के विचार लाओ, टेंशन के विचार लाओ, प्रेशर के विचार लाओ, ताकि थोड़ा सा लिंग का तनाव कम हो जाएगा, बाद में फिर और फोर प्ले करना है, फिर कठोरता आएगी और फिर लिंग का प्रवेश योनि में करने का है। तो ये स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक है। नंबर दो, कीगल्स एक्सरसाइज। कीगल्स एक्सरसाइज का मतलब ऐसा है कि आपने वो लेट के कर सकते हैं या बैठ के कर सकते हैं, लिंग को अंदर खींचना है, जैसा पेशाब करते करते यदि आप पेशाब को रोक देंगे तो उस समय जो नसें काम में आती है, जो मसल्स काम में आती है पेशाब रोकने की, वैसा पेशाब रोकने की प्रैक्टिस करना है। और पेशाब रोकने का जो तरीका है वो तरीका बैठे बैठे, जब आप कुर्सी पर बैठे हो तो पेशाब रोकते हैं वैसा अंदर खींचना है लिंग को, और लैट्रिन की जगह भी अंदर खींचना है और खींच के रखना है, 10 की गिनती करना है, बाद में छोड़ देने का है, फिर अंदर खींचना है पेशाब की जगह और लिंग, 10 की गिनती करना है फिर छोड़ देने का है, फिर अंदर खींचना है फिर जोड़ने का, ऐसा 10 बार करने का है, सुबह 10 बार, दोपहर को 10 बार, शाम को ऐसा 3 बार करते हैं, मतलब 30 बार रोज, तो उससे फायदा हो जाएगा। फिर तीसरा टेक्निक है स्क्विज टेक्निक। स्क्विज टेक्निक का मतलब ये होता है कि जब लिंग का प्रवेश होने में होता है, जब सेक्स करते हैं, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आने के पहले रोक देने का है, और रोक देने के बाद में बाहर निकालना है, और जो ग्लांस रहता है मतलब सामने का हिस्सा, उसके पीछे ग्रूव रहता है, तो वो ग्रूव के वहाँ, मतलब जो ग्लांस है और ग्लांस शाफ्ट को जहाँ मिलता है वहाँ ग्रूव रहता है, गड्ढा रहता है, उसके नीचे एक उंगली, ऊपर से दो उंगली वो ग्रूव के पास में, और जोर से दबाने का है ताकि लिंग ढीला हो जाए, फिर बाद में फिर खेलने का है, फिर लिंग में कठोरता आएगी, फिर सेक्स करना चालू करना है, फिर ऐसा लगा कि मैं गिर जाएगा तो फिर बाहर निकालने का है, फिर वही जो ग्लांस का जो है सामने का हेड जो वहाँ टच होता है, वहाँ गड्ढा रहता है, वहाँ फिर से उंगली रखना है नीचे, एक दो उंगली ऊपर, जोर से दबाने का है, लिंग को ढीला करने का है, तो ये ऐसा होगा इस तरह का, ये ऐसा लिंग है, यहाँ ऐसा किया, ये दबा दिया, ऐसा कर दिया, तो ये है स्क्विज टेक्निक। चौथा टेक्निक है फीमेल सुपीरियर पोजीशन, मतलब फीमेल ऑन टॉप पोजीशन। ये पोजीशन आप रखते हैं तो फीमेल को, मतलब स्त्री को हिलाना पड़ता है, स्त्री जब हिलाती है सेक्स करती है तो चांसेस या टाइम जो है गिरने का वो बढ़ जाता है, और ये फीमेल सुपीरियर पोजीशन भी काफ़ी लोगों को फ़ायदा करती है। पांचवा है मास्टरबेशन टेक्निक। इसका मतलब ये होता है कि बहुत ही, यदि ऐसा है कि नहीं बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, बहुत दिन के बाद में पत्नी को मिल रहे हैं, बहुत दिन के बाद में सेक्स हो रहा है, तो चांसेस ज़्यादा यह है कि यदि गैप ज़्यादा हो गई तो जल्दी गिर जाता है, तो इसके लिए फिर इम्पॉर्टेंट डेट है या बहुत दिन के बाद में या कम समय के लिए मिलना है, उस समय फिर पहले आप मास्टरबेशन कर सकते हो, मास्टरबेशन करके पहले वीर्य को निकाल दो, बाद में फिर एक दो घंटे के बाद में जब आप कोशिश करेंगे तो इरेक्शन आएगा मगर अभी गिरेगा नहीं। तो ये पांचवा टेक्निक है। फिर है छठवा कंडोम का इस्तेमाल, एनिस्थेटाइज कंडोम्स। तो ये क्या होते हैं, ये स्पेशल कंडोम्स रहते हैं, थिक कंडोम्स रहते हैं, और वो एनिस्थेटाइज रहते हैं, मतलब उसमें यदि जब पहनते हैं तब एनिस्थेशिया होता है, नमनेस होता है लिंग को, ताकि घर्षण में मालूम नहीं पड़ता है कि घर्षण हो रहा है, और फिर वो टाइम बढ़ जाता है। सातवां जो है वो है एनिस्थेटिक क्रीम्स। कुछ क्रीम ऐसी होती है कि अलग अलग दो एनिस्थेटिक एजेंट्स मिला के स्पेशली वो क्रीम बनाई जाती है, बहुत ही अच्छी पावरफुल क्रीम्स होती है जो हम देते रहते हैं, हम प्रिस्क्राइब भी करते हैं, तो वो क्रीम्स एनिस्थेटाइज्ड करती है पेनिस को, एनिस्थेटिक क्रीम्स रहती है, और वो क्रीम यदि लगाते हैं तो नमनेस आता है पेनिस को और फिर जल्दी गिरेगा नहीं। आठवां जो टेक्निक है
वो है रबर बैंड। टाइट रबर बैंड लगाने का है बेसब्द पेनिस को इरेक्शन होने के बाद में। काफ़ी टाइट रबर बैंड समझो आप लगाते हैं तो गिरने का चांसेस बहुत कम हो जाता है या टाइम डिले हो सकता है। नौवां जो टेक्निक है वो है दवाइयाँ। क्या होता है कि कुछ दवाइयाँ जो है वो दवाई दो तरह से इस्तेमाल करते हैं। एक है कि फ्लुऑक्सिटिन या एंटी डिप्रेशंस जो रहते हैं तो वो डिले करते हैं इजैकुलेशन, उसका साइड इफेक्ट है कि डिलेड इजैकुलेशन। या फिर थायराइडेजन जैसी दवाई है या क्लोमिप्रेविन जैसी दवाई है कि जो इजैकुलेशन को डिले करती है, तो वो दवाई आप डेढ़ दो घंटा पहले ले सकते हैं। वैसे ही PDE5 इनहिबिटर्स जो दवाइयाँ हैं वो ब्लड सप्लाई पेनिस को बढ़ाती है, उससे लिंग में कठोरता आती है, तो दोबारा भी आपको समझो करना है तो लिंग में कठोरता जल्दी आ सकती है और वो भी काम में आती है। PDE5 इनहिबिटर्स, टारलाफिल, सिल्डेनाफिल, वर्देनाफिल, एवेनाफिल जैसी दवाइयाँ। तो ये 9 टेक्निक्स है, ये आप इसका इस्तेमाल करें तो डेफिनेटली गारंटेड आपका टाइम जो है वो बढ़ जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर वो सभी नौजवानों को शेयर करो जिनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा आता है। आप शेयर करेंगे तो उनकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा, फ़र्क पड़ेगा, फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।